मैं कोल्हापुर महाराष्ट्र इंडिया से सागर राठौड़ बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ आपको ट्रिपल एम इंडिया इस कंपनी के बारे में मुझे जो जानकारी है वो बताने के लिए यहाँ प्रेजेंट हूँ। मैं आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में बता रहा हूँ जो आपको पैसे के साथ वेल्थ और स्टेबिलिटी भी देगा। इस कंपनी का नाम है ट्रिपल एम इंडिया। इस कंपनी की शुरुआत रशिया के सर्गिन मोरोदी इस अर्थतज्ञ ने बड़े शानदार दिमाग से की थी रशिया में। इस बिजनेस को शुरू होके लगभग 20 साल से भी ऊपर का वक्त गुजर चुका है और तब से लेकर आज तक ये कंपनी बहुत ही शान से अपने बिजनेस का ग्रोथ बढ़ा रही है। ये कंपनी किसी और कंपनी से बहुत ही अलग और डिफरेंट है। ये कोई रिटायरमेंट प्लान इसके जैसी नहीं है। दोस्तों, रिस्क तो किसी भी बिजनेस में होती है। जिस बिजनेस में आप इन्वेस्ट करते हो वहाँ से आपको और आपको ही प्रॉफिट होता है। तो इस ट्रिपल एम इंडिया में इंडिया कंपनी में भी आपको पैसे लगाने हैं और प्रॉफिट सिर्फ आप और आपको ही मिलेगा। चलो अब मैं आपको इस कंपनी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ये कंपनी का वेबसाइट है, आपको टाइप करना है www.mmmindia.in। जब आप ये टाइप करेंगे और सर्च पे डालेंगे तो आपको ये वेबसाइट आ जाएगा। इस वेबसाइट पे आपको दिखेगा कि ये सर्जिन मारुति जी है और इस कंपनी के CRO, उनका नाम है एलेक्सी मोरोटोव। आपको क्या करना है, ये वेबसाइट है, वेबसाइट पे लॉगिन होने के लिए इधर लॉगिन इनटू वर्चुअल अकाउंट है। आपको इस बिज़नेस के जो भी न्यूज़ लेटेस्ट न्यूज़ आते हैं वो आपको इधर पता चल जाएंगे। यहाँ पे कंपनी के रूल्स हैं जिस पे बिज़नेस चलता है। यहाँ पे MMM Crow यानी कि CRO इनका यानी कि जो सर्जिन सॉरी एलेक्सी मोरोटोव है इनका आपको यहाँ पे डिटेल मिल जाएंगे। यहाँ पे रेट्स हैं जो आपको जो मोरो का रेट जो है वो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे वीडियोस हैं जो सर्जिन मोरोदी का इंटरव्यूज हैं उनके। यहाँ पे सॉफ्टवेयर कैसे हैंडल करना है उसके बारे में बताया गया है, वो भी वीडियोस हैं। यहाँ पे सेमिनार जो भी सेमिनार इंडिया में कहाँ कहाँ पे हुए हैं उसका सेमिनार का वीडियोस है। बाकी क्वालिफिकेशन वीडियो सभी इधर हैं। यहाँ पे फोटोज़ है वही सेमिनार के बारे में, जो भी सेमिनार हुआ है सर्जिन मोरोदी जी का फोटो, इसके सभी बारे में फोटोज़ यहाँ पे हैं। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें लॉगिन कैसे होना है। तो यहाँ पे जाने आप यहाँ पे जा सकते हैं लॉगिन इनटू वर्चुअल अकाउंट। जब आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको आपका जो जीमेल नंबर है वो यहाँ पे डालना पड़ता है, जैसे अभी इधर डाला हुआ है। यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है और यहाँ पे साइन इन होना है। अभी ये पेज आता है, आपको यहाँ पे प्रोवाइड हेल्प दिखेगा, गेट हेल्प दिखेगा। आपको पहले क्या करना है, यहाँ पे आपको डेस्कटॉप है, पार्टिसिपेंट्स है, मोरो है, मोरो अकाउंट्स। आप सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि पार्टिसिपेंट यहाँ पे कैसे होना है। तो पार्टिसिपेंट में जाएंगे, यहाँ पे पार्टिसिपेंट करके है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये वेब पेज आ जाएगा। यहाँ पे ऐड न्यू करके है तो आपको पहले ये काम करना है कि आपका एक जीमेल अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। तो आप जीमेल अकाउंट पहले खोल के रखना है आपको, उसके बारे में उसके बाद आपको ऐड न्यू करके करना है। यहाँ पे ऐड न्यू होना है, ऐड न्यू में क्लिक करने के बाद ये वेब पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपना जीमेल नंबर डाल करना है, जीमेल अकाउंट। ऐसे उसके बाद आपको फर्स्ट नेम डाल करना है, आपका लास्ट नेम इधर टाइप करना है। यहाँ पे आपका कंट्री जो भी है वो इधर डाल कर ये करना है, टाइप करना है। यहाँ पे आपका जो रीजन है यानी कि जो स्टेट है वो इधर आ जाएगा। आपका लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे।
यहाँ पे आपका जो सिटी है वो टाइप करेंगे, यहाँ पे आपका बर्थडे डालेंगे जो MMDDYY इस के दौरान चलती है, और यहाँ पे आपको सेव करना है जो आपका अकाउंट इधर हो जाएगा। तो यहाँ पे सिस्टम अकाउंट करके है, जब आप माउरोज आप परचेस करते हैं तो सभी इसके डिटेल, सॉरी जो आप इधर जो आपने अकाउंट निकाला है पार्टिसिपेंट जब आप हुए हैं तो इसका सभी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो आपको पहले क्या करना है, आपको बैक जाना है, यहाँ से मेन पेज पे आना है आपको। उसके बाद आपको सिस्टम अकाउंट में जाएंगे आप, तो आपको ये वेब पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपको बहुत ज़रूरी है कि आपका बैंक अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है जो नेशनलाइज हो। जब आप यहाँ पे जाएंगे तो आपका यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर डालना है, जो भी अकाउंट आपका बैंक का है। तो आपको इसके बाद आईएफएससी कोड आप यहाँ पे डालेंगे, जो भी बैंक आपका आईएफएससी कोड होगा बैंक का। यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर डालना है, जो बैंक का अकाउंट नंबर होगा। यहाँ के पूरे आपके नाम की डिटेल, लास्ट नेम, नेम और मिडल नेम, यहाँ पे आपको पूरा डिटेल जो ऊपर डाला है वही डिटेल यहाँ आपको यहाँ पे डालना है। और यहाँ पे आपको SMS आ जाएगा बाद में, जो आपके मोबाइल नंबर यहाँ पे देना ज़रूरी है, जो एक ही मोबाइल नंबर पे वर्क होता है वो आपके मोबाइल रहेगा और उस पर आपको SMS आ जाएगा। यहाँ पे आपको सेव करना है जो कंपनी के पास आपका बैंक डिटेल जाएगा। अब मैं आपको मारू कैसे बाय करने हैं वो आपको बताता हूँ। उसके लिए आपको डेस्कटॉप पे जाना है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, जो ग्रीन कलर पे है प्रोवाइड हेल्प, जहाँ पे आप मावरो बाय कर सकते हैं। रेड कलर में है गेट हेल्प, जहाँ पे आप मावरो सेल कर सकते हैं। तो आपको प्रोवाइड हेल्प पे जाएंगे हम, आपको ऐड रिक्वेस्ट करना है। तो यहाँ पे आप अपना अमाउंट, जितना आप मावरो बाय करना चाहते हैं उसके अमाउंट डाल सकते हैं, 5,000 और 50,000 तक आप डाल सकते हैं इसमें। यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे दो ऑप्शन है, जो आप 30% पे पर मंथ पे आप इंटरेस्ट पा सकते हैं उसका है 30% का, और यहाँ पे 40% का ऑप्शन है। वहाँ पे आप अपना ये ऊपर जो या जो अमाउंट है वो डाल सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट फाइल करना है, जब आप सिलेक्ट फाइल करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना बैंक अकाउंट का जो पासबुक होता है वो पासबुक का जेरोक्स या पासबुक का कॉपी यहाँ पे आपको अटैच करना है, वो यहाँ पे आप अटैच कर सकते हैं। और यहाँ से नेक्स्ट बोलने का, वो आपका मावरोस बाय हो जाएगा। जब आप मावरोस बाय करते हैं तो यहाँ पे आपका एक कार्ड बन जाता है, जितना आप मावरोस बाय कर सकते हैं उसका टोटल, इसका अमाउंट लिखा होता है, उसका डेट लिखा होता है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे पैसे कैसे मिलते हैं। तो ये है जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आया है, यहाँ पे ये पैसे भेजने वाला है और ये पैसे लेने वाला है। ये यहाँ पे 8,800 भेज रहे हैं, और यहाँ पे आपको ये मैसेज बन करके हैं, यहाँ पे आपको ये मैसेज भेज सकते हैं, जो आपका अकाउंट डिटेल यहाँ पे डायरेक्ट आप कॉपी करके यहाँ से भेज सकते हैं, या जो भी इन्फॉर्मेशन आपको उस अकाउंट पे भेजना है तो यहाँ पे आप भेज सकते हैं। इनको ये पैसे ट्रांसफ़र करने हैं 60 आवर्स में। अब मैं आपको मावरोस कैसे सेल करने हैं ये बताता हूँ। यहाँ पे आपको गेट हेल्प में जाना है, यहाँ पे आपको एक बॉक्स दिखेगा, यहाँ पे आपको बैंक सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट करेंगे अभी। उसके बाद आपका नाम आ जाएगा, ये नाम कंफर्म करके आपको नेक्स्ट करना है। यहाँ पे आपको अमाउंट डालना है, जितना अपना बैलेंस अमाउंट है, ये अमाउंट डालने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट जैसे करेंगे आपका एक कार्ड बन जाएगा, जैसे ये कार्ड है, और आपको पैसे मिल जाएंगे। चलिए, आपको जब आप मावरो बाय करते हैं उसके बाद आपको मावरो जो है उसमें क्लिक करना है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपका अकाउंट में कितने पैसे आए हैं। तो आपको ये आईडी दिखेगा, ट्रांजेक्शन आईडी दिखेगा, यहाँ पे टाइप दिखेगा जो अनकन्फर्म है। ये कन्फर्म तब होंगे जब आपको पैसे के लिए रिक्वेस्ट आएगा, जब आप पैसे बैंक में डालेंगे। उसके बाद डेट ऑफ क्रिएटिंग, यानी कि जब आप लॉगिन किया है उसका डेट आ जाएगा, रिलीज डेट आ जाएगा जब आप ये जब लॉकिंग पीरियड दिया है उसके बाद जो डेट आती है, यानी कि आप जब पैसे निकाल सकते हैं उसका डेट आ जाएगा। यहाँ पे आपका नाम, आपने पैसे जितना रिक्वेस्ट किया है उसका अमाउंट, यहाँ पे आपने जो प्लान सिलेक्ट किया है वो प्लान आ जाएगा,
और यहाँ पे जितने मावरोज आपको मिले हैं वो आ जाएगा, और उसके अमाउंट जो आप जैसे बढ़ जाती है इसके प्लान के हिसाब से वो यहाँ पे आ जाएगी। दोस्तों ये है कंपनी की वेबसाइट, जल्द से जल्द MMM इंडिया में पार्टिसिपेट होके इसमें भाग लीजिए और अपने जीवन सुखी और उन्नत बनाइए।